मेरा नाम हाजी अकबर अली उस्मानी, राष्ट्रीय उस्मानी मंच का सचिव। आज उस्मानी राष्ट्रीय मंच की तरफ से जो बच्चों ने हाई स्कूल 12th, कुछ बच्चे हमारे हाफिज़ कुरान बने हैं, कुछ बेटी और बेटों ने भी हाफिज़ कुरान के साथ आलमियत का आलिम का जो कोर्स होता है वो भी मुकम्मल करा है। राष्ट्रीय उस्मानी मंच ने ऐसे सारे बच्चे समाज में से छांटे गए हैं और उन सभी बच्चों को उनका सम्मान समारोह करा गया, उनको प्रशस्ति पत्र दिया। राष्ट्रीय उस्मानी मंच पिछले 2 साल से लगातार काम कर रहा है। इससे पहले हमने हेल्थ चेकअप प्रोग्राम लगाए, गली गली मोहल्लों में जाकर हेल्थ के चेकअप के प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए। अभी पिछले महीने अभी हमने 7 बेटियों का निकाह करवाया राष्ट्रीय उस्मानी मंच के बैनर तले। उसके बाद हमने जो मुस्लिम जो पार्षद नियुक्त होकर आए हैं इस बार के नगर निकाय के चुनाव में, उनका सम्मान समारोह करा गया। और अभी हाल ही का ये हमारा इसी महीने का एक तीसरा प्रोग्राम है ये, जिसके अंदर जो बच्चे मेगावी छात्र जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर के अंदर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास लेकर जो आए 60% से ऊपर नंबर हैं, उन सब बच्चों को हमने प्रशस्ति पत्र सम्मान समारोह करा। तकरीबन 70 से ऊपर बच्चे हमारे पास आज प्रेजेंट में आए, लेकिन लिस्ट हमारे पास 120 से ऊपर है। अगर की बात करो कितने बच्चे जी, अगर हाफिज़ों की बात करी जाए तो तकरीबन हमारे पास जो हाफिज़ बच्चे आए वो 5 आए और कुछ बच्चों का हिफ्ज़ मुकम्मल होने में रह गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे इस साल के दिसंबर तक उनका हिफ्ज़ भी मुकम्मल हो जाएगा। कुछ बेटियां हैं जो वो भी आलमियत के साथ भी इस साल दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएंगी। मैं मोहम्मद उस्मान उस्मानी उस्मानी राष्ट्रीय मंच का सदस्य हूँ। आज जो प्रोग्राम किया गया था वो कौम में तालीम को बढ़ाने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे बच्चे आगे देखें और प्रोत्साहित हों, एक दूसरे को देख करके आगे बढ़ें, ये उद्देश्य था जगह जगह से। और इसमें आज बड़ी खुशी की बात है कि कोटा, राजस्थान, भरतपुर और उसके अलावा फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी तक के बच्चे इसमें शामिल हुए और 120 से ज़्यादा जायद बच्चों की हमारे पास रजिस्ट्रेशन था, जिनको इन एजाज से नवाजा गया। और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम एजुकेशन के लिए हम करते रहेंगे। नहीं, सारे बच्चों का सम्मान करता है, सारे संप्रदाय के बच्चों का सम्मान करता है, लेकिन ये जो पहला बच्चों को हौसला अफजाई का प्रोग्राम था, ये अभी उस्मानी जो बच्चे हैं, उस्मानी कौम के जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए था। आगे भी इंशाल्लाह सारे कौमों को, सारे संप्रदाय के बच्चों को हम प्रोत्साहित करेंगे एजुकेशन के लिए। एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं, देश का मुस्तकबिल बना सकते हैं, कौम का मुस्तकबिल बना सकते हैं। उस्मानी राष्ट्रीय मंच का जब से जन्म हुआ तभी से इस तरह के फलाह वाले 2020 से ये प्रोग्राम इस तरह के चल रहे हैं। हेल्थ चेकअप कैंप, आई चेकअप कैंप और जो बड़े बड़े उसमें होते हैं, जैसे चुनाव में पार्षद मुंतखब हुए उनको सम्मान देना, इस तरह के जो प्रोग्राम है। आगे एजुकेशन में जो भी होगा बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम जावेद उस्मानी है, मैं उस्मानी राष्ट्रीय मंच का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों ने जो उस्मानी समाज के 60% से लेकर के 90% या 100% जितने भी बच्चे आए हैं उनको प्रोत्साहन का कार्यक्रम किया है, जिसको बड़े शानदार तरीके से आज पूरा किया गया है और सबको इनाम गिफ्ट दिए गए हैं बच्चों को उस्मानी राष्ट्रीय मंच की तरफ से। क्या क्या गिफ्ट? उनको शील्ड, मेडल और प्रशस्ति पत्र उस्मानी राष्ट्रीय मंच की तरफ से दिया गया है। उससे बच्चे बड़े खुश हुए और आगे मोटिवेशन के लिए उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। हमारा मैसेज ये है कि बच्चे इस कार्यक्रम के तहत से देख करके आगे और बढ़े, पढ़े, कंपटीशन में और ज़्यादा निकले, एक दूसरे तरक्की करें, आगे बढ़े। मेरा नाम वाहबुद्दीन उस्मानी, उस्मानी राष्ट्रीय मंच का सरपरस्त। ये जो बच्चे मेधावी बच्चे कहलाए जाते हैं 60% 70% हाई स्कूल इंटर वाले, उनका प्रोत्साहन करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया। जब से हमारी टीम खड़ी हुई है 2019-20 के बाद में इस तरह के प्रोग्राम करते ही चले आ रहे हैं। कितने बच्चे?
आज करीब करीब हमारे पास 120 बच्चों को रजिस्ट्रेशन था, 60-70 बच्चे हमारे पास आ गए थे जो किस वजह से कुछ आ नहीं सके। इन बच्चों में महिला कितनी थी और पुरुष? इन बच्चों में करीब करीब 70% महिलाएं थी और 30% लड़के जेंट्स थे। एक कार्यकर्ता हूँ। आज क्या आयोजन हुआ है? आज जो है जो बच्चों ने हाई स्कूल इंटर अच्छे नंबरों से पास किया है उनको प्रोत्साहित करने का, उनका हौसला अफजाई करने के लिए आज का प्रोग्राम रखा गया है जिसमें सभी को शील्ड और मेडल और प्रस्तुति पत्र दिया गया है जिससे बच्चों को हौसला अफजाई हो। हमारे यहाँ करीब 120 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, हाफिज 5 बच्चे जो हमारे पास आए हैं जिनका मुकम्मल हो गया था, बाकी दिसंबर तक दो बच्चों को और मुकम्मल हो जाएगा। मेरा नाम रईसुद्दीन उस्मानी। आज किस तरीके का आज हाई स्कूल इंटर के बच्चों ने जो पास किया है 60% से लेकर 95% तक के बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है। कितने बच्चे इसमें? इसमें 120 करीब बच्चे थे। इसमें ऐसा आयोजन कब से करते चले आ रहे हैं? 2020 से ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है।